हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डेड स्पेस। सो लास्ट एपिसोड में अपन ने फाइनली अपने इंजन को इग्नाइट कर दिया था, जहाँ मतलब आपको पता होगा कि इशिमुरा शिप जो है वो ऑर्बिट से नीचे प्लैनेट की तरफ गिर रहा था, AG-7 जो प्लैनेट है उसकी तरफ गिर रहा था, तो इंजन को स्टार्ट करना ज़रूरी था। अपन ने इंजन स्टार्ट कर दिया, उसके बाद अपन हैमोर से मिलना है वापस। तो अभी इंजन स्टार्ट हो गया है, लेकिन तुम लोग को दिख रहा होगा कि बाहर कुछ एस्ट्रॉइड्स घूम रहे हैं, क्योंकि अपन एस्ट्रॉइड डेब्री के अंदर है ये इशिमुरा शिप, एंड इसको ये एस्ट्रॉइड्स के बीच से निकालना है। ये जो एस्ट्रॉइड के टूटे हुए पत्थर उठ रहे हैं उनके यहाँ से निकालना है एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच से। तो उसके लिए अपन को ADS वापस चालू करना है, जो उसका एस्ट्रॉइड डिफेंस सिस्टम ऐसा कुछ है, वो चीज़ को वापस स्टार्ट करना है, एंड वही अपना नेक्स्ट विजन है। अपना जो एक्सेस लेवल है वो भी लेवल 2 पे अपग्रेड हो गया, हैमंड ने वो लेवल 2 पे अपग्रेड कर दिया था। बाकी कोई मार्कर करके कोई एलियन आर्टिफैक्ट है, तो डैनियल्स का मानना है कि ये जो इशिमुरा शिप है इसे यहाँ पे कोई माइनिंग के काम के लिए नहीं भेजा गया है, लेकिन वो जो मार्कर आर्टिफैक्ट है उसको लेके आने के लिए भेजा गया है। तो वो जो भी सच्चाई है वो आगे जब स्टोरी कंटिन्यू होगी तब क्लियर होगा वो। उसके अलावा अपन ने जो निकोल का साइड मिशन था उसे प्रोग्रेस किया, तो वो मिशन बेसिकली ऐसा है कि आइजैक अपना जो मेन हीरो है ये निकोल को ढूंढ रहा है कि वो किधर गई, वो ये इशिमुरा शिप पे एज अ डॉक्टर काम करती थी। तो उसके कुछ क्लूज अपन को मिले जो अपन ने डिस्कवर किए पिछले एपिसोड में। अब जो थर्ड क्लू है वो माइनिंग डेक पे है, जो कि अभी लॉक्ड है वो जोन, तो वो जोन जब अनलॉक होगा उसके बाद अपन साइड मिशन कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी हैमर्ड बोल रहा था कि उसे यहाँ पे ऊपर की तरफ कुछ बड़े चीज़ के हिलने डुलने की आवाज़ आई, जो आई गेस मे बी कैन बी द बॉस फाइट, तो ये या अगले एपिसोड में आपको बॉस फाइट देखने को मिल सकता है। आई गेस वही चीज़ होगा जो बड़ा सा एक टेंटेकल आया था ना अपन को पकड़ने के लिए, मुझे लग रहा वही चीज़ होगा जब अपन इंजीनियरिंग बे में थे तब, दो एपिसोड पहले। किधर जाने को बोल रहा है मुझे, है वही से तो आया था मैं। ओ उस डोर से जाना है, ठीक है। ओ भाई इसका वीक पॉइंट क्या है भैया? शिट, अरे यहाँ पे शिप टूटा हुआ है। भाग, मुझे ऐसा लग रहा है उसके पीठ पे ही है शायद, क्या कहते हैं उसका वीक पॉइंट है। अरे किधर चले गया यार, मेरे पास स्टेसिस नहीं है, नहीं तो वो यूज कर सकते थे अपन। इसको कैसे मारना मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा ये बॉस तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है तुम बोल सकते हो कि जो टैंक वेरिएशन होता है ना हर गेम में, तुम्हारे नॉर्मल एनिमीज होते हैं उसके बाद टैंक एनिमीज होते हैं जो बहुत ज़्यादा डैमेज अब्सॉर्ब करते हैं, वो है ये। एंड श्योर कि ये बहुत ज़्यादा डैमेज भी खा रहा है। सवाल ये इसको रोकेंगे कैसे, मुझे नहीं लग रहा ये रिपर से रुकने वाला है। स्टेसिस यूज करके देखते हैं पीछे क्या है। लेवल 3 मैं खुद ही बाहर आ गया। लो
ओ ठीक है। उसके वीक पॉइंट में समझ तो गए, वो जो ग्लो कर रहे हैं ना वो चीज है। वो नोड मिला या ये काइंड ऑफ तुम एक मिनी बॉस बोल सकते हो, एलीट एनिमी टाइप के। हर बार तो नहीं मिलेगा ये क्योंकि इसने नोड ड्रॉप किया है। ओ भाई काइंड ऑफ मुझे आइडिया समझ गया क्या है, तुम्हें स्टेसिस यूज करके इसको स्लो डाउन करना पड़ेगा। इसका वीक पॉइंट इसके पीछे की तरफ पैर की तरफ है, पैर या कमर की तरफ। वो तुम मारोगे वहां पे गोली तो इसकी इसके पैर टूट जाएंगे एंड देन ही कांट चेज यू। ओके कूल। सीन ये है कि मैंने अपना राइफल का पूरा एमो यूज़ कर दिया एंड काफ़ी ये भी यूज़ कर दिया फ्लेम थ्रोवर, ठीक है, बट थोड़ा टफ एनिमी था वो। चलो चले। क्लीयरेंस कंफर्म्ड। It's on the record, Doctor. This is mutiny. The marker must be delivered to the church, whatever the cost. God's sakes, Ben, listen to yourself. The Ishimura's in crisis, you've cut us off. By Maritime Law Article 5469, I, Dr. Terence Kine, hereby declare Captain Benjamin Matthias unfit for duty. Heretic! Hold him! Ben, you're not yourself. Let me help you. Traitors, get your hands off me! This is my ship! Oh my god, he's... You... Ben... Lord. You saw, I was trying to help him. Doctor, you... You just killed the captain. We have to take you in. You can't. But the others from the church get a hold of me. Stop! तो पापा को ये पता चला कि कैप्टन कैसे मरा था, एक्सीडेंट था। एचपी अपग्रेड करनी थी अपनी, बढ़िया। ओके एलिवेटर्स एक्टिवेट करने के लिए ये रूम पे आना, तो यही बोला था एमोड ने। पावर एंड रीस्टार्ट, रीड्यूस द पावर फ्रॉम द माइनिंग एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा पहले वही करना है तो वही ऑब्जेक्टिव पहले करते हैं, उसके बाद बचे हुए ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। अपन फ्लोर वन पे है, फ्लोर टू पे जाना है, उसके बाद एक फ्लोर थ्री भी है। अच्छा ये वाला जोन मुझे ऐसा लग रहा है ये ज़्यादा वर्टिकल है। तीन फ्लोर्स है आई थिंक, बाकी जो भी जोन्स अपन अभी तक किए उस पर दो ही फ्लोर्स थे। इस पे गोली नहीं है। वहाँ सेव पॉइंट मैं ऊपर भूल गया था उसको, वो अपने मिनी बॉस को मारने के बाद सेव करने का। अच्छा एक सेकेंड, अपने पास कुछ ऐसा लॉग बुक जैसा वगैरह कुछ है क्या जिसमें जो भी नेक्रोमॉर्फ्स को जिन जिसको अपन ने मारा उसका वीक पॉइंट या उसका कुछ इन्फॉर्मेशन देता हो कोई? ट्यूटोरियल्स, मार्कर, कैप्टन्स फेथ, मोर टाइम। अच्छा ये तो जो चीज़ें अपन ने उठाई है ना, ऑडियो लॉग एंड टेक्स्ट लॉग्स जो होते बस वही है और कुछ नहीं है वो।
ये वैक्यूम खतरनाक है थोड़ा, क्योंकि तुम्हें ना एनिमीज अगर तुम्हारे आगे पीछे से कहीं से आ रहे हो ना, समझ में नहीं आता है। जल्दी उठा, बढ़िया नोड मिल गया। Isaac, I'm reading electrical hazards on the floor ahead of you. 60-year-old dead brain doesn't play well with power surges. Watch your step. Ooh, new weapon. क्या है भाई ये? दिखने में खतरनाक लग रहा है वो तो। करेक्ट टाइम पे मिला, अपने एक वेपन का एमो खत्म था। कॉन्टैक्ट बीम, हैवी ड्यूटी एनर्जी प्रोजेक्टर, होल्ड दिस एंड दिस फॉर प्राइमरी फायर, होल्ड दिस एंड दिस फॉर एस्ट्रॉइड कटर, कॉस्ट 3 एनर्जी, प्राइमरी फायर एंड ओके। सवाल ये कि ये है क्या चीज़। हैवी एनर्जी प्रोजेक्टर दैट लॉन्चेस अ कंटिन्यूस लीथल बीम, लेजर गन टाइप का है क्या लग रहा है? तो नॉर्मल नॉर्मल वाले से अपन मतलब नॉर्मल फायर आएगा, जैसे एक लेजर जैसा कुछ जाएगा, और दूसरा कुछ एस्ट्रॉइड कटर है जो इसका ऑल्टरनेट वर्जन फायर है। कॉन्टैक्ट एनर्जी, ये गन का नाम क्या था बाय द वे? कॉन्टैक्ट समथिंग था ना, कॉन्टैक्ट बीम। ओके कूल, यहाँ पे क्या चल रहा है भाई? What the hell? तो एकदम डेंजर वेपन निकला, 2 मिनट में इनकी दोनों के पैर तोड़ दिए उसने। ऑलमोस्ट जो अपना कटर है, कटर नेरी पर, उसके लेवल का निकला वो। शिट, ये इससे बचना है, अगर वो झटका पड़ा ना अपन पक्का मरेंगे। जाना उस तरफ है, यहाँ पे एक लॉक्ड रूम है, ये रूम किधर जाता है देखते हैं। आई थिंक फ्यूज रूम लिखा है ना, तो यहाँ से अपन कैपेसिटी, सेकेंडरी फायर डैमेज, सेकेंडरी फायर डैमेज 400 पॉइंट्स। सेकेंडरी फायर बहुत स्ट्रांग लग रहा है इसका। या सेकेंडरी फायर सीधा 400 है, प्राइमरी फायर 75 है, लेकिन सेकेंडरी फायर जो है ना 3 एनर्जी कॉस्ट करता है, इसने लिखा था। और कौन सा था? रिपर पे क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं अपन डैमेज के बाद? कैपेसिटी 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 एंड देन देर इज ड्यूरेशन एंड उसके बाद है ये रिपर ब्लेड्स, जो स्पेशल अपग्रेड आया है। रिपर ब्लेड्स गेन एन एडिशनल रिकॉशन, नहीं तो फिर कैपेसिटी रीलोड
ड्यूरेशन 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 बढ़ाना, मुझे ये रिपर ब्लेड काफी ओपी हो जाएगा लग रहा है, क्योंकि फिर वो ज्यादा देर तक स्पिन करेगा, वो एक एक सेकेंड से बढ़ जाएगा ड्यूरेशन, तो उस डायरेक्शन में अपन जा सकते हैं। बट मुझे लग रहा है ये जो स्पेशल है ना, उससे भी अच्छा कोई स्पेशल रहेगा, क्योंकि और दो स्पेशल अभी लॉक्ड है। तुम देखोगे और दो स्क्वायर बॉक्सेस दिख रहे हैं तुम्हें जो स्पेशल है, देखते हैं। एंड सूट का भी अपग्रेड अभी तक मिला नहीं, एक ही बार अपग्रेड किया है सूट अपन ने, जिसमें जितना भी मैक्सिमम हेल्थ तुम ले सकते हो उतना मैंने अपग्रेड कर दिया है। Diverted from mining administration network. That's one. We still need more power. A couple more systems should do it. Okay, reroute my from mining administration wo ho gaya. Aur bhi kuch reroute karna hai. Ab agla kya hai objective? Teen jagah se reroute karna tha. Are re bhai. Ekdam mere baju se nikal ke aa jate hai ye. ऐसा नहीं कि सामने कहीं दूर, थोड़ा दूर से आओ, मतलब ऑब्जेक्टिव देख रहे हो और जंप स्केयर दे देते साइड जाके। ओके, रीरूट द पावर फ्रॉम इलेक्ट्रिक सिस्टम्स, रीरूट द पावर फ्रॉम वाटर प्यूरिफिकेशन। ओके, गॉट इट। सो अगला ये, और कुछ आया ना बाहर? अरे ये, अरे नहीं 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 नहीं, इसको मारना पड़ेगा। उसको मार दिया मैंने, वरना वो क्या करता ना, ये और जितने अपने ये दिख रहे थे डेड बॉडीज उसको ट्रांसफॉर्म कर देता ये। ओके, ये रूम में अपने सब एक्सप्लोर कर लिया ना, साइड वाला छोटा रूम, वो वर्क बेंच, ये रूम में सब कुछ एक्सप्लोर हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे एक लॉक डोर है, ये खुल गया क्या? पहले लॉकड आ रहा था, आई गेस अपन ने वो एनर्जी सिस्टम बंद किया ना, यहाँ का पावर सिस्टम, तब ये खुला है। लेवल टू एक्सेस, क्लीयरेंस कंफर्म्ड। नोड होगा क्या अंदर? यप। देयर वी गो। नाइस। ये गन का एमो लिमिटेड है, तुमने नोटिस किया? अभी तक मुझे एक भी एमो ड्रॉप मिला नहीं है ये गन का, कॉन्टैक्ट जो है ना किसी भी एनिमी को मारने से। आई गेस मैं वो जब थोड़े से खतरनाक एनिमीज आएंगे ना, वो लोकेशन के लिए बचा के रखता हूँ।
फ्लोर 3 पे जाना होगा। यप, अभी इलेक्ट्रिक सिस्टम एंड वाटर प्यूरिफिकेशन दोनों ही फ्लोर 3 पे हो गए क्या? सीन ही है ना, जैसे ही तुम इलेक्ट्रिक सिस्टम बंद करोगे मुझे लग रहा है तीनों फ्लोर की लाइट बंद हो जाएगी। देखते ये क्या था भाई, ऊपर एलियन हॉरर गेम खेल रहा है ना, ये अचानक से भूतिया कैसे हो गया? मैं वो स्क्रीम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। So it is the same. That marker, that's the symbol of the Church of Unitology. Yeah, marker. I take you for a believer, Isaac. My mother was. But if they found this on some alien planet, what does that mean? That Unitology's onto something? Unitology's full of shit. Forget it. अच्छा, ये जो है ना, ये चीज मैंने कहीं पे, ये एग्जैक्ट रूम इसी यूट्यूब शॉर्ट में देखा था। बेसिकली तुम्हें यहाँ पे खड़े रह के कुछ पंच एंड स्टॉर्म के कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस करना है, कि ऐसा दो पंच फिर एक स्टॉर्म फिर तीन पंच दो स्टॉर्म, ऐसा कुछ एक सीक्वेंस है लंबा सा। वो कंप्लीट करने के बाद तुम लोग को दो नोड मिलेगी, एक नोड यहाँ पे एक नोड यहाँ पे आ जाता है। मैंने शॉर्ट्स में देखा था, फिलहाल तो मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है नहीं, लेकिन अगर आप ये गेम खेल रहे होंगे तो मैंने बता दिया। ये चीज़ मैं ऑफ रिकॉर्डिंग कर लूँगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा सीक्वेंस है। पहले एक पार्ट है जिसमें कुछ तीन पंच एक स्टॉम्प है, फिर उसके बाद दो पंच दो स्टॉम्प है, फिर कुछ दो पंच तीन स्टॉम्प, ऐसा कुछ ऐसा समथिंग है। वो यूट्यूब पर सर्च करना, ये कुछ कुछ मार्कर पिक्चर सीक्रेट नोट्स या सीक्रेट नोट लोकेशन ऐसा कुछ डाल देना, आ जाएगा। मैंने अभी कल ही देखा था ये, मुझे पता नहीं रिकमेंडेशन पे आ गया था। ये रूम में क्या है भैया? लॉक्ड है। ये भी लॉक्ड है। कॉम्स एक्सेस ऑल। अरे खुद ही तंदूरी बना लिया अपना उसने। किधर जा रही है? मेरे पास हील नहीं है। आवाज आई कुछ, प्रिटी श्योर की आवाज आई थी। उतना डैमेज नहीं करता है, डिपेंड्स कि अगर वो वन हिट होता तो दिक्कत हो जाती।
फाइनली पहली बार एक कॉन्टैक्ट, वो जो भी कॉन्टैक्ट बीम, कॉन्टैक्ट बीम ही है ना कि कॉन्टैक्ट लेजर है, वो वेपन का एमो मिला। आई थिंक उसका जो ऑल्टरनेट फायर है ना, जस्ट माइट बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन अभी तक अपन को जितना भी मिला गेम में। उसका ऑल्टरनेट फायर का डैमेज 400 है फिलहाल, एंड यू कैन अपग्रेड इट 3 times। अरे भाई नहीं, उसके पैर तोड़ने पड़ेंगे। टूट गया क्या पैर? नहीं टूट। सरक सरक सरक, मर, what the hell? इस बार इतने जल्दी कैसे मरा? I'm pretty sure कि पहले बार इसका पैर तोड़ने के बाद अपन को काफी टाइम लगा था इसको मारने में। मुझे लग रहा है पहले बार अपन को ना डराने के लिए उसे ज्यादा ताकतवर बना दिया था, शायद हो सकता है। ये क्या है भाई? अच्छा वायर्स है, मुझे लगा टेंटेकल्स है वो। ओके भाई चलो आगे निकले, कोई यहाँ पे कुछ लूट रह गया। मेडी पैक की जरूरत थी। स्टेसिस यूज करना पड़ेगा। अच्छा जब वो उस तरफ जा रहा है ना तब स्टेसिस यूज करना पड़ेगा। Okay, I'm seeing a power reroute from the electrical systems. Just watch the outlets. The grid's unstable. That's two. One more system and we'll have power for the ADS. Okay, two systems done. One down. Ek bacha abhi bas. यहाँ पे कहीं पे एक डोर था जो लॉक्ड था, ये अभी भी लॉक्ड है। व्हाट द हेल? इलेक्ट्रिक सिस्टम, पर्सनल स्टोरेज रूम, व्हाई इज दिस लॉक्ड? पहले भी लॉक्ड था, अब भी लॉक्ड है ये, एंड वो बाजू वाला रूम भी लॉक्ड है। मुझे लग रहा है ये कहीं और से आके, वैसे ये वाला रूम तो मिडल रूम है तब भी ये लॉक्ड है। ये रूम का समझ में आता है कि शायद कहीं और जाके कनेक्ट होता है, बट ये वाला क्यों लॉक्ड है? व्हाट द हेल? बाद में देखना पड़ेगा क्या सीन है उसका। Isaac, I cracked the Ishimura's medsci reports. They're a fucking horror show. These things mold any dead tissue into a new form. One kind infects corpses, and the rest make more corpses to infect. That organic shit on the walls, that's dead tissue too. The crew thought it was a habitat changer. Isaac, I'm gonna run some diagnostics. I think that stuff's spreading. अच्छा डैनियल से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालती है नेक्रोमॉर्फ्स के बारे में। वो तो अपन को पता था कि एक नेक्रोमॉर्फ है जो डेड बॉडीज को ट्रांसफॉर्म करता है, जब अपन कैप्टन रिग लेने गए थे तब देखा था अपन ने। ओके देयर वी गो। अभी वाटर वाला किधर है? बाय द वे थर्ड फ्लोर तो छोटा सा है। फर्स्ट फ्लोर पे ही है क्या जहां पे अपन थे?
अच्छा ऊपर की तरफ है ये। ओके सो टोटल चार फ्लोर है ये। क्या कहते हैं ये वाले लोकेशन पे द ब्रिज है ये लोकेशन का नाम। एक इलेक्ट्रिक जोन हो गया, एक वाटर वाला हो गया, और सबसे पहले अपन ने क्या बंद किया था भूल गया। सबसे पहले अपन ने क्या बंद किया था द फक क्या था भाई वो मुझे लगा ही था गायब हो गया होगा। मास्टर ओवरराइड, मास्टर ओवरराइड पता नहीं कौन सा लेवल है। लेवल थ्री तो नहीं पता है क्योंकि लेवल थ्री का अपन ने अलग से देखा कि लेवल थ्री एक्सेस रिक्वायर्ड, तो मे बी लेवल फोर या लेवल फाइव हो सकता है ये। Elizabeth, it's Jacob. I came to the bridge looking for you, but it is completely fucked. I'm not sticking around in case whatever did it comes back, and neither should you. It looks like the admin staff went to the mining deck to meet up with the other survivors. I'll head there too. If you aren't with them, I'll find a way to contact you. I promise. अच्छा ये जेकब और एलिजाबेथ की स्टोरी अपना अलग साइड साइड में चल रही है कि जेकब का शायद अपन को सबसे पहला लॉग इंजीनियरिंग जोन में मिला था जहाँ पे वो एलिजाबेथ को ढूंढते हुए ब्रिज पे आया, जबकि ब्रिज पे उसने देखा काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई है जो कि ऑब्वियसली वो मोटे से जो मिनी बॉस को अपन ने हमारे एपिसोड के स्टार्ट में उसी ने किया होगा। एंड उसके बाद अभी वो माइनिंग टेक गया है जो वो जोन है जहाँ पे अपन अभी तक गए नहीं है। जैसे शिप की हालत है मुझे लग नहीं रहा कि जेकब की स्टोरी का कुछ हैप्पी एंडिंग हुआ होगा, देखते हैं। यार छोटे कीड़े है साले तुम मारा। अरे नहीं मेरा मेडिकेट फेंक दिया मैंने। ओ लार्ज मेडिकेट मिला बढ़िया, एक छोटा मेडिकेट फेंक दिया था। पल्स राइफल का एमओ क्यों नहीं मिल रहा है यार, पहले इतना ज्यादा मिला करता था अभी पता नहीं मिल नहीं रहा है। ये है क्या यहाँ पे वाटर प्यूरिफिकेशन एडीएस कैनन। एक सेकेंड पहले फिर ये वाला रूम अपन एक्सप्लोर करके आते हैं। ये तो बहुत छोटा एरिया निकला अभी। ओह शिट मतलब ब्लेड्स है ना ये। लॉक डोर इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग रिग स्कीमेटिक इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग। अच्छा अपन को फाइनली मिला अपने इसका अपग्रेड है, ये इंजीनियरिंग रिग है ना आर्मर का अपग्रेड है। नाइस और कुछ तो नहीं है। चलो अब सामने एक लॉक डोर है जो कैसे खुलेगा फिलहाल तो कोई आइडिया नहीं है। What about manual targeting? You want to go out there with all that shit raining down and target the ADS cannons manually? If I give the cannons enough targeting data, it'll recalibrate the system. You got a better idea? Christ. I'll open exterior access. I hope you know what you're doing. Oh, bhai, isko bahar jana hai abhi. Sala, space mein jaake wo usko cannon ko data dena hai, jisse fir wo auto targeting activate kare. Lol, bhai. Thank you.
वापस उधर जाने को बोल रहा है। अच्छा वो डोर खुल जाएगा जो अभी लॉक्ड था ना, सामने जो एक लॉक्ड डोर था। तो एक काम करते हैं गाइस, आज के एपिसोड यहीं पे रैप अप करते हैं, क्योंकि अभी वो कैनन का डेटा देने अपन जाएंगे, वो आई गेस नो ऑक्सीजन जोन होगा तो मैं फ्लोट करते हुए जाना पड़ेगा, तो अब और काफ़ी लंबा रहेगा ये मिशन, अभी खत्म होने वाला है नहीं जल्दी। सो आपको आज का मिशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।